अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। गाइस इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे देखिए पूरा रोड खाली है। यहाँ पर पूरा मुंबई का पूरा रोड खाली है और यहाँ पर भी बैक साइड पर पूरा रोड खाली है। ये देखिए पूरा मुंबई का पूरा रोड खाली है और ये देखिए आप मेरे पीछे कितनी भीड़। देखें रात के 3:30 बज रहे हैं बट यहाँ पर भीड़ कितनी है देखो। और मैं आपको कवर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ में चल के। देखिए आप मेरे पीछे ये मुंबई का पूरा आपको मैं दिखाता हूँ मेरे साथ चल के। मतलब मैंने पहले यहाँ पर सुना था कि मरीन ड्राइव पे आधी रात के 12 बजे के बाद बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन मैंने कभी इस पर यकीन नहीं किया था। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ काम के लिए, मैं यहाँ पर आया था इत्तेफाक से, मैं काम के लिए मैं यहाँ पर आया था, तो मैं देख रहा हूँ कि ये बात सही है एकदम। अब देखिए अभी मुंबई का आगे आकर इस तरफ जाएंगे मुंबई की, तो चौपाटी पड़ता है इस तरफ जाएंगे, चौपाटी पड़ता है और इस तरफ जाएंगे तो कुलाबा पड़ता है। ये देखिए मेरे पीछे ये रोड है कुलाबा का, मैं आपको साथ ही साथ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको पूरा कवर करता हूँ मैं साथ साथ। ये देखिए मुंबई का पूरा रोड खाली है। अगर आप इस रोड पे अगर आप दिन में आते हो, दिन में शाम में या सुबह में, तो यहाँ आपको इतनी रश मिलेगी कि आप ट्रैफिक मिलेगी, गाड़ी चलने की जगह नहीं होती। बट इस वक्त देखिए आप पूरा रोड खाली है बट मरीन ड्राइव पे इतने लोग बैठे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, इतने रात गए भी लोग आके इन्जॉय कर रहे हैं। देखिए आप देखिए साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी ग्रुप बना के लोग आए हैं, बच्चे लोग आए हैं, बच्चे इन्जॉय कर रहे, खेल रहे, ग्रुप बना के आए हैं, सेल्फी ले रहे हैं सब लोग। ये देखिए समंदर पूरा, यहाँ से देखिए आप पूरा समंदर दिख रहा है। देखिए अगर आप दिन में इस वक्त आएंगे तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आपको जगह नहीं होगी बैठने के लिए, बट इस वक्त आप खुद देख सकते हैं कितना भीड़ है। मतलब इतनी गाइस कितनी भीड़ है, देखिए पूरा रोड एकदम सुनसान है। पूरा 3:30 बज रहे गाइस रात के, और आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आया था, सोचा मैं आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ का मंजर दिखा दूँ। ये देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने रात गए आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सीटिंग बैठने के लिए सीट वगैरह, और यहाँ पर आप दिन में अगर आएंगे तो यहाँ पर दिन में तो और ही भीड़ रहती है, बट रात में आप देखिए रात में कवर करें। ये देखिए भाई ये देखिए कितनी भीड़ है, देखिए ये देखिए भाई ये देखिए पूरा समंदर का मंजर है। मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये देखिए मुंबई का नज़ारा देखिए दोस्तों। हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही है। क्राउड देखिए रश देखिए खाली, देखिए दूर दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक लोग बैठे। देखिए साथ साथ में मैं आपको थोड़ा सा और फोटो कवर करता हूँ यहाँ की, जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए गाइस थोड़ा सा हम अभी आगे आ गए हैं। अब उस साइड देखिए आप, उस साइड थोड़ी भीड़ थी, अभी हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पूरा देखो खाली है। देखिए पूरा यहाँ पर पूरा खाली है, कुछ ही लोग यहाँ पर सिर्फ बैठे हैं। ये देखिए चाय बेचने वाले, टोस्ट वगैरह बेचने वाले इतनी रात को भी घूम रहे। देखिए समंदर पूरा ये देखिए ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ।
गाइस कभी भी आपको मौका मिले आप ज़रूर आइए, खास करके आधी रात को आइए, 2:30-3 बजे, तो आपको एक अलग सा यहाँ पर माहौल देखने मिलेगा और अलग सा आपको एक नज़ारा देखने मिलेगा। मतलब जैसा व्यू होता है, जैसा लोग यहाँ पर फील घूमने के लिए आते हैं इतने रात को, दूर दूर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए और इंजॉय करते हैं। अक्सर आपने देखा रहेगा कि लोग सिर्फ दिन में इंजॉय करते हैं, दिन में शाम में घूमने आते हैं, दिन में होते हैं, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आधी रात को 3:30 बजे लोग आकर इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और ये देखिए हर मोमेंट्स का मज़ा उठा रहे हैं। देखिए देखिए पीछे देखिए चाय वगैरह सब कुछ। चलो गाइस थैंक यू ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बाय।